आशा, जिसके बिना संसार बिल्कुल वैसा है जैसे स्याही के बिना कलम। मैं आज इस बात से हैरान हूं कि आज से पहले मैंने भी आप ही की तरह ये कभी नहीं सोचा था कि बिना जुबां के मेरी जिंदगी कैसी होती। लेकिन आज ये एहसास हुआ है, क्योंकि आज किस्मत ने मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने ला खड़ा कर दिया था जिनका पूरा जीवन अपने अंदर हमें जुबां देने की कहानी समेटे हुए था। उनके साथ करीब दो मुलाकातों के बाद ये महसूस हुआ कि कहानी को अंदर तक समझने के लिए उसके सृजन स्थान तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने सर्वप्रथम उनके जन्म स्थान तक पहुंचने का फैसला किया। फैसला एकदम सही था। ये तब महसूस हुआ जब मिट्टी की खुशबू धीरे धीरे अनसुने अनजाने इतिहास की परतें खोलने लगी। ये हमारा स्कूल है जहाँ हम पढ़ते थे। उस वक्त मिडिल स्कूल था, लोअर मिडिल स्कूल था, और आजकल ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में बसा एक छोटा सा गांव शांगन। यहां के सुंदर और शांत वातावरण में ध्वनित होती एक एक आवाज मानो सैकड़ों शब्दों का सृजन किए जा रही थी। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जिला मुख्यालय में उपचाराधीन होने के बावजूद वो हमारे साथ यहाँ चले आए थे। इसका हमें अंदर ही अंदर खेद तो था, मगर उनकी ये बात हमें उनके कर्म के प्रति अखंड होने का परिचय दे रही थी। इंसान कहीं भी चला जाए, पर अपनी मिट्टी की छुअन जो खुशबू उसके मन में बिखेरती है, वो शायद और कहीं भी संभव नहीं है। घर पहुंचते ही मौलूराम जी और उनकी धर्मपत्नी के चेहरे की खिलखिलाहट ने हमें उस क्षण को कैद करने पर विवश कर दिया था। शाम होने को थी और समय के अभाव के चलते
जब हमने उनसे साक्षात्कार करने का आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत कुर्सी पर बैठते हुए अपने ही अंदाज में उसे आगाज दिया। इस जगह पर रहता हूँ जहाँ कोई मेरा और कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं आप आए हैं, मुझे खुशी हुई है और जो कुछ आप पूछेंगे आप मैं उसे जवाब दे दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने की याद रहता है क्योंकि बूढ़ा हो चुका हूँ मैं, 89 मेरी एज हो चुकी है तो। लेकिन ये है कि जिस फ्लोर से मैं पहले बोला करता था या याद थी, आज भी मुझे याद तो है लेकिन वो शब्द आते नहीं हैं, इसलिए जितना भी हो कोशिश करता हूँ, मैं ठीक कोशिश करूँगा। आप देख लीजिए जिधर जैसे कुछ करना पूछना पूछ लीजिए। संसार में जीव का जन्म लेना एक आम बात सही, मगर मौलू राम जी के माता पिता के लिए उन्हें पाना कोई आम बात नहीं थी। काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने उन्हें पाया था। देखिए कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे माँ बाप जो है, वो अमूमन कहते थे कि हमारे जितने बच्चे होते रहे या तो वो हमल से पहले पैदा होने से पहले मर जाते थे, हमल में मर, या पैदा होने के साल भी नहीं होता था तभी मर जाते थे, और इसलिए वो चिंतित थे कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हीं दिनों में मेरा दादा जो था वो फागुनों को लवरिया कहलाता था, कैलूर से आए थे हम, कैलूर स्टेट जो है बिलासपुर को कहते हैं, तो हम बिलासपुर से आए होंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसा है, लेकिन नाम लोगों से फागुनों को लूरिया कहते थे, और वो कैलूर से आया था और वो कुछ कुछ तो खुद भी जानता था, और वो गूर था पर देवते का, तो उन्होंने कहा अब उससे पूछ लेते हैं जब घर में है तो और क्या कहा। ऐसे उन्होंने पूछा मेरे, उसने कहा देखो जहाँ तक मेरे कहने का मतलब है वो है कि भाई लगता तो है कि तुम्हारी संतान है लेकिन ऐसे आते जाते संतान नहीं है ये तो। तो फिर उन्होंने दूसरा स्वर किया, भाई तो आप गूर हैं, सारे जहाँ इधर इलाके के लोग आपसे पूछते हैं आप मुझे कोई इलाज बताइए इसका। तो इलाज के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि कहने लगा इस वक्त जब तुम्हारा कोई जो लड़का होगा ना, लड़के बच्चे जो भी होगा उसको देना तुमने किसी नीच जाति के हो, और फिर उसके बाद खरीद लेना तो शायद है तुम बच जाए। उस वक्त शायद ये कल्पना करना भी असंभव रहा होगा कि कुलांत पीठ के इस छोटे से गांव में पुराने घर की एक कोठरी में जन्मा ये बच्चा एक दिन अपनी भाषा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर दिखाएगा। मात्र 1 रुपए में मोल लिया गया वो नवजात शिशु मोलू राम किस प्रकार मौलिकता को प्राप्त हो गया, ये बात कहने के लिए बहुत छोटी थी, मगर अपने अंदर एक गहरा अर्थ संजोए हुए थी। कुदरत की देखिए, कुदरत जो बहुत बड़ी चीज है, उसने चाहे इसका संबंध था या नहीं संबंध था, अब मेरा जन्म हो गया और जन्म होने पर उन्होंने कृपा उससे मुझे खरीद लिया, और खरीदने की वजह से मेरा नाम रखा उन्होंने मोलू। मोलू मोल लिया हमने, मौलू राम ने कि भाई राम का ये हमने ले लिया है तो मौलू राम नाम रखा। खैर मौलू राम नाम रखने से क्या हो गया कि जब मैं दाखिल हुआ या स्कूल में तो उन्होंने मुँह माँ उर्दू पढ़ते थे मैं बाबा मोला मोला मोलू राम कर दिया। फिर जब मैं हाई स्कूल में गया उसने मास्टर ने क्या कर दिया, वो उसको ऐसा तो था नहीं, उसने मोलू राम कर दिया MOLUR। मैं इसी में चलता रहा, जब मैं बड़े आर से तक मेरा ये नाम रहा,
और सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन में यही नाम था। फिर उसके बाद जब मैं इस अपना पुराना उसको डिपार्टमेंट के छोड़ करके जब कंपटीशन हुआ, हमारा कंपटीशन में आया, मैं थर्ड था, तो वहाँ थे डॉक्टर मंदोक। मंदोक ने कहा मैं आपका स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ। मैं कह क्यों? कहते देखो मौलू राम कर लेता हूँ मैं, मतलब मौलिक था रमे थे तत्र यत्र तत्र मौलू राम। मैंने कहा ठीक है चलो, तो उन्होंने मौलू राम करके इस तरह से हमारा ये जन्म का एक पहला ही किस्सा है कि इस तरह की घटना घटी और उसके मुताबिक मेरा नाम मौलू राम रखा। आज के दौर में उस समय के मानव संघर्ष की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मौलू राम जी भी इससे अछूते नहीं रहे। वो और उनके पिता रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर 6 किलोमीटर का सफर तय कर भुट्टी स्कूल पहुंचते थे। स्कूल हमारा आपने मैं रास्ते में बताया आपको कितने 6 किलोमीटर था, लगभग 6 किलोमीटर था। और रास्ते में हमारे जो नाला ये भर जाता कई दफा जी, और वह नाला को पार करना होता था मुश्किल। पार किया और शाम को ही वापस आ जाता था। हम थे सिर्फ 2 अकेले, तो हमारे किसने, लेकिन फिर भी 2 में से मेरे पिताजी आया करते थे तो इस यहाँ से ले जाते, नाला क्रॉस कर रुकाया तो आ गए। लेकिन हमारे साइड में एक और कठिनाई ये थी कि छोरियाँ थी, छोरी छोरी जानते हैं आप क्या होते हैं, छोरी मैंने छुरे की तरह पत्थर गिरते थे ऊपर से। इनके पल्ले तरफ तो कुछ पत्थर नहीं है ना, साफ है, हमारा इधर था बिल्कुल सलाट। और उससे छोरी से कई आदमी घायल हुए थे, मर गए थे एक आध तो छुरी की बस, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा कठिन था। मौलू राम जी लेखन में अपनी सफलता का श्रेय गवर्नमेंट स्कूल ढालपुर को देते हैं। उनका मानना है कि हाई सेकेंडरी के लिए यहाँ पर दाखिला लेने के बाद यहाँ के वातावरण ने ही उनके अंदर इस रचनात्मक हुनर का अंकुरण किया था। 8वीं से ही फिर मुझे इस तरह का शौक तो था लिखा पढ़ी का थोड़ा बहुत, लेकिन लिखना हमारे उन जमाने में लिखा पढ़ी तो होती ही नहीं थी, का होना था। लोग कहते ना भाई अब पढ़ाई करते थे, तो ये माहौल था हमारा। उन्हीं दिनों में अर्जुन सिंह जी आए थे वहाँ लाहौर से, रावलपिंडी से ट्रांसफर होकर के, तो वो बड़ा लिटरेरी था, उसने रोज बोल रही हुई थी लिटरेरी फंक्शन करना शुरू कर दिया उसने। कह रहे कि लड़कों को आप अपनी मर्जी का ले आओ भाई, कंपटीशन होगा तो जो होगा तो वो, ये तो हर एक लड़कों ने मैट्रिक से लेकर 5वीं तक के लड़कों ने लाना जो कुछ लेकर जो अच्छे अच्छे वो उसने इकट्ठा करना और सर्वरी नाम से उसने उसको जमा करना। और आगे अगर आज भी मिल जाए तो मेरे ख्याल है मेरे 4 लेख बड़े सुंदर थे। एक तो लिखा फागुन की बरसात, हेडमास्टर साहब मास्टर सब ने कहा बड़ी खूबसूरत है ये जो इनका हिस्सा लेख ही अच्छा है। तो मैंने इस तरह का एक लेख ये था, दूसरा लेख था मेरा कुल्लू दशहरा में, जो दशहरा था बोलते थे विजयदशमी बड़े खूबसूरत था। एक था मेरा वो रानी झांसी पर, वो साधारण था लेकिन अच्छा। और एक था मेरा उन दिनों में डिवीज़न हो रहा था हिंदुस्तान का, क्या कश्मीर हिंदुस्तान का अंग होना चाहिए या कश्मीर उसका पाकिस्तान को जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है ना पढ़ने लिखने का, वो सिर्फ वो इस स्कूल की वजह से,
स्कूल ने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, स्कूल ने ही मुझे ये प्रेरणा दी, और स्कूल और स्कूल के माहौल को मैं उस चीज का श्रेय देता हूँ। विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में मनुष्य को घड़ती हुई प्रकृति उसे किस उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है, मानव के लिए ये जानना अथवा समझना अत्यंत कठिन है। प्रकृति के उद्देश्यों व निष्कर्षों से अनिभिज्ञ मौलूराम जी भी अब तक ये समझ ना पाए थे। मगर एक दिन जब एक छोटी सी बात पर मन उलझ गया तो मंथन ने जन्म दिया एक ऐसे उद्देश्य को जो शायद ख्वाबो ख्याल में भी न था। आज जब मैं निराशा और प्रतीक्षा के ताने बाने में संजोए जीवन के बीते क्षणों को पीछे मुड़कर देखता हूं तो स्मृति पटल पर ना जाने क्या क्या स्पष्ट तथा धुंधले चित्र अंकित होने लगते हैं। आज से पूरे 15 वर्ष पूर्व आशातीत जीवन पथ पर आज तक का पहला और अंतिम मोड़ आया था। मैं कार्यालय के लिपिकीय धंधे से किंचित विमुक्त होकर अपनी इच्छा के अनुकूल पाठन लेखन व्यवसाय की ओर अग्रसर हुआ और 27 जनवरी 1961 को भाषा विभाग पंजाब में भर्ती हुआ। विभाग का मूल कार्य साहित्यिक गतिविधियों से परिपूर्ण तो था ही, विभिन्न कर्मचारी अधिकारी भी विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में रत थे। उस समय 3 विद्वान हिमाचल के जनजीवन के संबंध में शोध कार्य कर रहे थे। कुलवी भाषा का संरचनात्मक अध्ययन, मंडियाली बोली का भाषा शास्त्रीय अध्ययन तथा क्योंथली भाषा और लोक साहित्य। कुलवी मेरी मातृबोली थी और मंडियाली और क्योंथली दोनों निकट पड़ोस की बोलियां। स्वाभाविकतः मुझे इन तीनों का अच्छा व्यवहारिक ज्ञान था। मुझे नए वातावरण में सहानुभूतिक सहयोगियों की जरूरत थी और मेरे आदरणीय तीनों विद्वानों को मुझ में तथाकथित बोलचाल की आवश्यकता प्रत्यक्ष दिख पाई थी। एक दिन विचार विमर्श में तल्लीन हुए जब सर्वनामों के बारे में बात हो रही थी, मैं अनथक प्रयत्नों के बावजूद कुलवी में उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन कृत कारक में प्रयुक्त शब्दों हाऊ मू और मैं के प्रयोग के भेद को समझा ना सका। मेरे साथियों को बड़ी निराशा हुई, परंतु उससे भी बड़ा दुख मुझे हुआ। उन्होंने अधिक सुरुचिपूर्ण दूसरे विषय लिए और उन पर पीएचडी भी कर ली, परंतु मुझे एक लंबे संघर्ष के लिए विवश होना पड़ा। उसी दिन से भाषा और भाषा विज्ञान का अध्ययन मेरा एकमात्र प्रिय विषय रहा। जीवन में उद्देश्य को खोजना मनुष्य का प्रथम लक्ष्य है और उसे 0 से 100% तक पहुंचाना परम लक्ष्य। उद्देश्य मिलते ही मौलूराम जी परम लक्ष्य को भेदने निकल पड़े और कलम के सिपाही बनकर अपने विभिन्न शोध कार्यों, पुस्तकों और रचनाओं से भाषाई व साहित्य जगत को नए आयाम प्रदान किए।
मातृभाषा से विशेष लगाव के चलते पहाड़ी भाषा का संरक्षण व संवर्धन उनकी कृतियों का केंद्र रहा। उन्होंने विभिन्न विषयों के माध्यम से पहाड़ी की महत्वता को प्रस्तुत किया। ठाकुर मूलराम जी का जब हम उनका भाषाई योगदान देखते हैं, तो जो उनके एक पुस्तक है पहाड़ी भाषा कुलवी के विशेष संदर्भ में, ये 75-76 के अंदर पुस्तक छपी है। उसके बाद जितने भी शोध कार्य हिमाचल प्रदेश की बोलियों पर हुए, तो ये पुस्तक मूल रूप से मार्गदर्शक पुस्तक रही है, आधार पुस्तक रही। इस पुस्तक को पढ़े बिना, इसका अध्ययन किए बिना, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की बोलियों पर किसी प्रकार का शोध करना सहज नहीं है। तो इसलिए तो एक आधार पुस्तक है पहाड़ी भाषा के अध्ययन के लिए। हालांकि इसका नाम कुलवी के विशेष संदर्भ में है, पर जिस प्रकार से इस में पुस्तक में विषयों का वर्णन किया है, वो पूरे हिमाचल प्रदेश की बोलियों को वो समाहित करता है, उसको कवर करता है। 14 पुस्तकें इनकी अपनी लिखी प्रकाशित हुई हैं और विद्वत जनों में वो बहुत पॉपुलर रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं। परंतु उनमें से 14 पुस्तकों में से जो मुझे छू गई वो है इनकी पुस्तक हिमाचल की देव संस्कृति, हिमाचल के पूजित देवी देवता। पुस्तक का नाम हिमाचल के पूजित देवता है। और इस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्ध किया है कि हिमाचल की जो देव संस्कृति है ये वैदिक संस्कृति ही है। और साथ ही इस पुस्तक में हिमाचली भाषा का के ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे हमारी भाषा स्वतः ही लगता है कि ये वैदिक भाषा है। शायद उन बहुत कम लोगों में हैं जिन्होंने हिमाचल को लेकर, हिमाचल की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको लेकर बहुत गहन शोध किया है और उसके ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है। और कुल्लू ज़िला की जो परंपराएं हैं, पुराने रिवाज हैं, पुरानी जो बातें हैं, उसके बारे में शायद ही कोई ऐसे और लोग हों जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है। तो उस दृष्टि से उनका हिमाचल की लोक कला संस्कृति के बारे में और कुल्लू का विशेष रूप से जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ना सिर्फ पहाड़ी में और हिंदी में बल्कि अंग्रेज़ी में भी लिखा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुल्लू को सिर्फ उनके लेखन के माध्यम से जानते हैं और यही एक वजह है कि उन्होंने बहुत सारे जो उनकी किताबें हैं वो आज के समय में रेफरेंस बुक्स का काम करती हैं उन रिसर्चर्स के लिए जो कुल्लू के बारे में और हिमाचल के बारे में और ख़ास तौर पर जो कुल्लू की फोक ट्रेडिशन है उसके बारे में काम करना चाहते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि बहुत से फॉरेन रिसर्चर्स जो हैं वो सबसे पहले अगर हिमाचल में और कुल्लू में आते हैं तो उनको मिलना चाहते हैं ताकि उनसे मिलकर वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। इतने कठिन विषयों की तह तक पहुंचकर संसार के समक्ष उनकी एक स्टीक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना किसी ब्रह्मतुल्य साधना से कम न था। इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों ने उन्हें समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया।
1961 में शुरू किए गए संघर्ष को अंजाम तब मिला जब रूस के शोधार्थियों ने पोलैंड की एक लाइब्रेरी से प्राप्त हुई मौलू राम जी की किताब पहाड़ी भाषा कुलवी के विशेष संदर्भ में को पढ़कर कुलवी पर शोध करने की ठानी और उनका एक पूरा दल शोध कार्य हेतु कुल्लू आ पहुंचा। पिछले दिनों एक द इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक रशियन अकेडमी ऑफ साइंस मॉस्को से एक ग्रुप आया था रिसर्च के लिए। मैं बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने मुझे बताया कि पोलैंड में लाइब्रेरी में उन्होंने मौलू राम जी की बुक को पढ़ा जिसमें उन्होंने कुल्लवी बोली पर रिसर्च की हुई है, इसका ग्रामेटिकली इस पर बहुत ही काम किया हुआ है। तो उसको पढ़कर वो यहाँ आए और उन्होंने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो एक लगभग एक महीना तक वो यहाँ रहे और मौलू राम जी से मिले और इनका काम करने का तरीका, इनका समझाने का मैं बहुत प्रभावित हुई उससे। तो विभाग में रहते हुए जो इन्होंने विभाग को दिया है वो शायद ही कोई और कर सके। My name is Elena Knyazeva and I'm the representative of our linguistic research group from Moscow and we represent here the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences and Russian State University for the Humanities. So we are here to research the Kulvi language, which is our main aim here. And we work among the project, the documentation of the Kulvi language or of Western among Western Pahari languages. Kulvi भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाकर मौलू राम जी ने न केवल खुद को बल्कि पूरे राष्ट्र को गौरव प्रदान किया है। एक तो जो सबसे बड़ी बात है वो है उनकी स्पिरिट। 90 साल की उम्र में भी वो ना सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड तरीके से लिखते हैं और लगातार काम कर रहे हैं बल्कि वो औरों के लिए एक प्रेरणा है इतनी उम्र में। और उनको पार्किंसंस काफ़ी एडवांस स्टेज में है उसके बावजूद वो कुल्लू आते हैं, यहाँ पर आने वाले जो लेखक हैं उनसे मिलते हैं, उनको अपने अनुभव बताते हैं और गाइड करते हैं। ये जो स्पिरिट है ये बहुत ही कम लोगों में होती है। कोई भी व्यक्ति उम्र से या शरीर से बूढ़ा नहीं होता। जब व्यक्ति बूढ़ा तब होता है जब वो मन से बूढ़ा हो जाए। और उनमें काम करने की जो अभी भी इच्छा शक्ति को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो काफ़ी आना जाना रहता है उनका यहाँ क्योंकि उनका जुड़ाव है भावनात्मक, इस विभाग में उन्होंने काम किया हुआ है। और मैंने उनके जितना भी लिटरेचर पढ़ा विभाग में रहते हुए इन्होंने जो काम किया है वो सच में बहुत ही अतुलनीय है। कुल्लू के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि ऐसा साहित्यकार हमारे जिले से, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में है। वैसे तो संसार में रोज असंख्य लोग पैदा होते हैं मगर युग पुरुष वो हैं जो समाज को कुछ दे जाते हैं। कुलवी भाषा मुंबे बहुत शुभ लगे।